सनुजा, मेरठ के किस थाने से यहां पर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है और क्या वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसके तहत नोएडा पुलिस लेकर जाएगी मेरठ से वापस नोएडा? हाँ देखिए, फिलहाल वही बात निकल कर सामने आ रही है, चूंकि एसटीएफ ने पूरे मिशन को गोपनीय रखा, किसी को कोई जानकारी नहीं होने दी। जो एसटीएफ के सूत्र थे वो लगातार एक एक चीज़ अपडेट कर रहे थे, जो मोबाइल नंबर की लोकेशन थी उसके हिसाब से एसटीएफ आगे बढ़ती जा रही थी। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है और मेरठ से नोएडा ले जाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। तमाम ऐसे पहलू हैं कि जिन पर श्रीकांत से पूछताछ कर ली गई है, श्रीकांत के साथ जो तीन और लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर ली गई है। तमाम कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। ये भी अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर तीन दिन तक श्रीकांत त्यागी कहाँ कहाँ रुका था, कौन लोग थे जो उसको संरक्षण देने का काम कर रहे थे। जिस सफ़ेद पोश की मैं बात कर रहा हूँ, उसी सफ़ेद पोश के संरक्षण में पूरी तरीके से पूरी प्लानिंग कहीं ना कहीं की जा रही थी। वो चाहता था कि जैसे भी हो, अब चूंकि इनाम हो गया है तो वो सुरक्षित पुलिस के या एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाए, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन वो सफ़ेद पोश कौन है उसका नाम अभी जल्दी उजागर भी हो सकता है, क्योंकि मामला लखनऊ तक भी पहुंच गया, लखनऊ तक पूरी जानकारी मिल गई है। चूंकि आप देखिए कि जो बात मैंने आपको बताई, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, तमाम ये देखिए कई ऐसी जगह है, आखिर कहीं से गिरफ्तारी नहीं हुई, मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। आप ये समझिए नोएडा जो है वो मेरठ के मंडल में लगता है, मेरठ मंडल का ही जिला है, ज्यादा दूर नहीं है, और खंगाला कई जगह गया लेकिन गिरफ्तारी मेरठ से हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।